नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार जी होती है और हर जगह वो नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के बाद वहां पे जो युवा मौजूद है उनसे अलग से बात करती हैं, जो महिलाएं उनसे अलग बात करती हैं, और जब उन्हें डीबी लाइव दिख जाता है या बुशरा जैसी रिपोर्टर दिख जाती है तो उनसे अलग से बात कर लेती है वो। तो ये सारी खूबियां जो हैं ये प्रियंका में हैं और वाकई बुशरा ने सही कहा कि ऐसी चीजें और किसी नेता में देखने को नहीं मिलती हैं। अब एक दूसरी बात हम करना चाहेंगे वो है केजरीवाल की। देखिए, केजरीवाल का आज जो बेल हुआ है वो मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका है। और जो अभी आप बता रहे थे कि ईडी ने इनका विरोध किया बहुत ज्यादा, लेकिन ईडी से ज्यादा विरोध तो मीडिया ने किया है जी। और अभी भी जो मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो तिलमिलाया हुआ है कि केजरीवाल को बेल कैसे मिल गई। केजरीवाल की बेल अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है और वो संकेत है हालात के बदलने का। देखिए, चीजें बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। न केवल केजरीवाल को बेल मिली बल्कि आप देख रहे हैं कि संदेश खाली में जो महिलाएं थी जिन्होंने आरोप लगाए थे वो तेजी के साथ बदल रही हैं और वो कह रही हैं कि बीजेपी वालों ने हमारे नाम से झूठी एफआईआर की, हमें तो बाद में मालूम पड़ा। इसी तरह आप देख रहे हैं जो आज राहुल ने कहा भी कि प्रधानमंत्री अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस बात का संकेत है कि अब चुनाव पलट गया है। और केजरीवाल को जो बेल मिली है उसकी एक खास बात है कि 1 जून तक है वो, 1 जून को वाराणसी में चुनाव हो रहा है, लास्ट फेज का चुनाव। उसके बाद उन्हें वापस कोर्ट में जाके बताना है कि मैं आ गया हूं। तो ये सारा का सारा चुनाव जो है अब एक नई शक्ल ले चुका है जिसमें मोदी जी बिल्कुल डिफेंसिव पे चले गए हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है जी। तेजस्वी का आप देख रहे हैं कि जैसे प्रियंका कर रही है इतनी नुक्कड़ सभाएं, तेजस्वी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी का इलाका पूरा बिहार है, उन्हें पूरा बिहार देखना पड़ रहा है। और उनकी पीठ में दर्द के बावजूद, डॉक्टरों के मना करने के बावजूद, वो बैट्समैन जो है क्रीज पर डटा हुआ है। तेजस्वी को हमने बहुत छोटे थे तब से उन्हें नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखा है, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, आज भी अच्छे बैट्समैन है। तो वो जो है मैच को, जिसे कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ा बैट्समैन वो होता है जो फिनिश करके आए, फिनिशर, तो वो फिनिशर बन रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात और बता दें उसका तो खत्म करते हैं कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि चीजें किस तरह से बदल रही हैं, उसका एक और उदाहरण इंदौर से मिल रहा है। अक्षय बम, कांग्रेस के प्रत्याशी जो आज बीजेपी में चले गए हैं और इसलिए चले गए थे कि उनको अपनी गिरफ्तारी का डर था, उनके खिलाफ बड़ी धाराएं लगाई जा रही थी, तो पहले कोर्ट ने बड़ी धाराओं को वापस छोटी में करने से मना कर दिया और आज उनके नाम से गिरफ्तारी वारंट इशू हो गए। अक्षय बम नहीं, अक्षय बम के पिताजी के लिए। इसे कहते हैं गुनाहे बेलज्जत, कि गुनाह भी किया और उसमें कोई मजा भी नहीं आया। तो अक्षय बम जो है उनकी सारी मेहनत जो है बेकार चली गई है। तो ये चुनाव पलटने के बहुत बड़े बड़े संकेत है और जनता इसको समझ रही है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं शकील जी आपके पास जल्दी से। राहुल शकील जी, देखिए अभी आपने चार्जशीट का जिक्र किया, एक और चार्जशीट जो है आज दाखिल हुई है। दबदबा है, दबदबा रहेगा, पीएम ने भी मान लिया लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें उनके ऊपर शील भंग का आरोप लगाया है, महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप, और उनके बेटे को मोदी जी ने टिकट दिया है। तो ये चुनाव जो है अब पूरी की पूरी इन चीजों पे चला गया कि एक तरफ मोदी जी हैं
जो जनता की किसी नैतिकता की किसी कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इंडिया गठबंधन है जो जनता की आवाज उठा रहा है बेरोजगारी की, महंगाई की। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है केजरीवाल जी के लिए, इसको लेके ये गोदी मीडिया बहुत चर्चा कर रहा है कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे, बहुत चर्चा कर रहा है कि साहब बाहर आ गए दफ्तर तो जा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई दफ्तर तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक छोटे से राज्य के केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, तो वो तो पूरे देश के हैं जो विश्वगुरु है, वो दफ्तर नहीं जाते हैं। तो इस तरह की बातें बनाने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, एक हमें याद आ रहा है बहुत बड़े शायर मीर का शेर, जिनके लिए गालिब ने भी कहा था, कहते हैं पिछले जमाने में कोई मीर भी था, गालिब साहब भी उन्हें मानते थे, कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ने दवाने काम किया। वीडियो डाउन हो गया है शायद शकील जी का, बहुत शानदार शेर कह रहे थे और वीडियो डाउन, दवा भी काम नहीं कर रही है और जी दोबारा जरा आखिर काम तबाह किया कीजिए, जरा आपका वीडियो डाउन हो गया था शकील जी, रिपीट कीजिए प्लीज। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर हाय इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तदबीरें ने उपाय, सारे उपाय उल्टे पड़ते चले जा रहे, संदेश खाली उल्टा पड़ गया एकदम। और अभी आप जिक्र कर रहे थे कहां का चुनाव बचे, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, सिर्फ 10 पे चुनाव हुए हैं, 32 पे चुनाव होना है, और बशीरहाट जो लोकसभा चुनाव है जिसमें संदेश खाली आता है वहां भी चुनाव होना है। महिलाएं पलट रही हैं आरोप लगाने वाली कि नहीं झूठ बुलवाया गया था हमसे, लालच दिया गया था हमको। ईडी का खेल आप देख रहे हैं पूरी तरह फेल हो गया, पहले संजय सिंह को बेल देना पड़ी, अरविंद केजरीवाल, और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो भी बाहर आएंगे। और आपने आज दिखाया, ये कई बार दिखाया, ये अभी भी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर केजरीवाल का, तो जेल से छूटने के बाद भारत में इसी तरह स्वागत होता है, नायक का दर्जा पा जाते हैं। केजरीवाल को मोदी जी ने बहुत बड़ा नायक बना दिया, जिन केजरीवाल के खिलाफ इतना बोलते थे ये लोग, उन्हें बीजेपी ने ही, मोदी जी ने ही, ईडी ने ही आज सबसे बड़ा नायक बना दिया। अब ये रुकने वाला नहीं है, और इसका फायदा किसको होगा, इंडिया गठबंधन का। दिल्ली में तो हवा बदल ही गई है पूरी की पूरी, पंजाब और हरियाणा का आप जिक्र कर रहे थे, वहां प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है, किसी एक जगह नहीं पड़ता, आजकल हर जगह का प्रभाव हर जगह पड़ता है, तो पूरे देश में पड़ेगा। तो ये जो है चुनाव में जो लगातार संकेत मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं सारे के सारे, कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो मोदी जी के पक्ष में जा रहा हो। आज आपने राहुल को सुना, 50 सीटें कह रहे हैं वो यूपी में, पूरे देश में 150 से कम ला रहा है बीजेपी को, और यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए 50 सीटें। वाकई यूपी की हालत बिल्कुल बदली हुई है पूरी की पूरी। आप देख रहे हैं अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, मोदी जी को तो नेता मान रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने टिकट दिया है, उनका दबदबा कायम रखा है, लेकिन योगी जी के लिए क्या कह रहे हैं, ना जो मनाए समझ लो। तो योगी जी भी आज यूपी में कहीं दिख रहे हैं क्या, पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, देश के दूसरी जगह चुनावों में जितना प्रचार मोदी जी को मिलता था, मीडिया में जितना जगह मोदी जी को मिलती थी, उतनी योगी जी को, कई बार योगी जी को उससे भी ज्यादा। क्या इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मीडिया का, चाहे टीवी का कर लीजिए, चाहे अखबारों का कर लीजिए, चाहे सोशल मीडिया कर लीजिए, कहीं पे भी मोदी जी के मुकाबले योगी जी को जगह मिल रही है, कहीं नहीं है। कुछ तो कारण होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा नेता है, एमपी है, आज की तारीख में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूपी से है, वो कह रहा है कि ना मेरे नेता नहीं है वो। तो आज की तारीख में सारे की सारी जो तदबीरें थी मोदी जी की, जो उपाय थे, वो सब उल्टे पड़ रहे हैं, हर दांव उल्टा पड़ रहा है। जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, गांव देहात में हम लोग सब जानते हैं कि भैया दवा दारू कछु काम नहीं कर रही, न दवा काम कर रही और न कुछ दुआ काम कर रही और न कोई और तरीका काम कर रहा। तो आज वो स्थिति हो गई है। आज आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी जिस तरह से
चुनाव अमेठी और रायबरेली में लड़ रही हैं, हमेशा से वो ऐसी लड़ती रही हैं, मगर इस बार उनके में एक फर्क ये है कि इस बार वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं और उनके वो भाषण जो अमेठी और रायबरेली में हैं, जो उन्होंने बड़े कल बड़े भावुक भाषण थे उनके, और वाकई ऐसे थे कि जिसको सुन के लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह दिखाना पड़ रहा है। गोदी मीडिया भी उसका कुछ कुछ अच्छे दिखा रहा है क्योंकि वहां भी दर्शकों की मांग है, बिना दर्शकों कैसे करेंगे। एक बड़ा जो टीवी चैनल है, बहुत बड़ा वाला जो है, वो पूरा बदल गया। उसके मालिक कह रहे हैं कि भारत में प्रेस की आजादी नहीं है जी। बाकी जो एक सबसे तेज वाला है वो अब फैक्ट चेक करने लगा, वो कई बातें बता रहा है जो इससे पहले कभी नहीं बताता था। क्यों? देखिए, जो हवा होती है उसका असर सब पे होता है, जो सुगंध होती है वो सबको आती है, और अब तो दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिख रहा है सब। ये जो तीन फेज हुए हैं, आधे के करीब, आधे से थोड़ी ज्यादा सीटों पर चुनाव हो गए हैं, इसमें तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन बाकी चार जो हैं वो और खतरनाक होने जा रहे हैं। मोदी जी आज की तारीख में सोच रहे होंगे कि ये चुनाव आयोग ने क्या मेरे साथ धोखा कर दिया, लास्ट फेज में मेरा रख दिया, लास्ट फेज तक जाते जाते क्या हालत होगी। ये 1 जून जो है, अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी गई है 1 जून तक, 1 जून तक वो काम करेंगे बराबर, और 1 जून को शाम को 6 बजे तक मतदान हो जाएगा वाराणसी का, उसके बाद जाना है उनको सरेंडर करने, और जो आप बता रहे थे जाना भी है कि नहीं, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जी। तो 1 जून तक तो बहुत कुछ होने वाला है। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी जो है वो बैकफुट पे चले गए हैं, इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, और मैच का नतीजा क्या होगा ये तो अभी बात की बात है, लेकिन चुनाव आयोग को अब बिल्कुल सावधान होशियार होना पड़ेगा। आज इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि बदल गया ना चुनाव आयोग, यही बता दें हम आपको लास्ट बात, और वहां जाके उसने कहा कि ये जो देरी कर रहे हो आप वोट परसेंटेज देने में, ये नहीं चलेगी, अब 11 दिन की देरी, वोट प्रतिशत तत्काल आना चाहिए सामने ऑन रिकॉर्ड कि इस फेज में इतने इतने वोट डल गए हैं, उसके बाद उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, जाली वोट नहीं पड़ेंगे अब। और चुनाव आयोग भी अब समझ रहा है, चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं समझ रही हैं कि क्या होने वाला है, कि चुनाव आयोग कोई उनसे अलग हो, उसके IAS अफसर कोई अलग हो, उनको उनको भी समझ में आ रहा है। आपको याद है ना क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, कि देशद्रोह है चुनाव के साथ गड़बड़ करना, ये फांसी की सजा हो सकती है, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं, याद रखना अगर एक भी वोट की गड़बड़ करी किसी ने तो। और सही बात है, आपको मालूम है कि कितने देशों का प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत का दौरा कर रहा है चुनाव देखने के लिए, वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारे ख्याल में 11 या 21 देश हैं उनका प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है यहाँ पे, वो पूरे देश में जा रहा है, हर अलग अलग जगह जा रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है उसका। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है इसको ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर है, और उन्हें वो जिम्मेदारी अब निभाना ही पड़ेगी, अगर नहीं निभाएंगे तो समस्या उनके लिए भी बहुत बड़ी आने वाली है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को चुनाव आयोग कैसे निर्वहन इसका करता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।